दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले। दिवाली से लगभग एक या दो दिन पहले हम सब के वहाँ धनतेरस मनाया जाता है, जिस त्योहार में सामानों की खरीदारी बहुत बड़े स्तर में होती है। धनतेरस को देवी लक्ष्मी और कुबेर का पर्व माना जाता है। इस दिन को लेकर कई मान्यताएं हैं। यदि आप धनतेरस के दिन बताए जाने वाली कुछ वस्तुओं को खरीदेंगे तो कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं रहेगी। हमेशा आपके घर में अन्न और धन दोनों ही पूर्ण रूप से रहेगी। आइए जानते हैं वे कौन सी शुभ चीजें खरीदारी के लिए बताई गई है। गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। धनतेरस के दिन आपको देवी लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लानी चाहिए। इससे पूरे साल घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती है। ये धन और बुद्धि बढ़ाते हैं। झाड़ू देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। झाड़ू धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है और साफ घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। सात मुखी रुद्राक्ष। धनतेरस के दिन सात मुखी रुद्राक्ष भी घर पे लानी चाहिए और इसकी पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी के साथ साथ अहदेव की कृपा भी बनी रहेगी। धनिया धनिया को धन का प्रतीक और शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन साबुत धनिया घर लाना चाहिए और इसे पूजा करने के बाद अपने घर के आंगन और गमले में डाल देना चाहिए। नमक धनतेरस वाले दिन आपक नमक भी जरूर खरीदें। नमक का इस्तेमाल भी करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नमक लाने से घर में धन में अधिक बढ़ोतरी होती है और सुख शांति घर में आती है। नमक घर की दरिद्रता को खत्म कर देता है। इस दिन आप नमक का पोछा भी अपने घर में जरूर लगाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कौड़ियां धनतेरस के दिन कौड़ियां खरीदना अति शुभ होता है। जिस घर में कौड़ियां रहती हैं उस जगह कभी धन की कमी नहीं होती है। आप लक्ष्मी पूजा के बाद कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। शंख शंख सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक है। धनतेरस के दिन शंख घर लाने से लक्ष्मी का वास होगा और इससे पूजा करते वक्त बजाए, जिससे घर के सारे अनिष्ट टल जाएंगे।